कहाँ तक है फ्रेमिंग आपका? हाँ जी, कहाँ तक है फ्रेमिंग? बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत दिनों के बाद आज आपके दर्शन हुए। अब तक हमने आपको लाइक फिल्मों में देखा था, आप हमारे सामने हैं, तो बताइए आपका म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है जी। माँ ओ माँ, क्या फील करती हैं आप? पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में अगेन कम बैक करके बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछे होंगे जी जी, तो बताइए कि कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बहुत पुरानी चीज फिर से आपको मिल जाती है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो प्रिविलेज मोमेंट है कि आप अगेन हमारे इंडस्ट्री में लौट कर आई हैं जी। सो कुछ, थैंक यू सो मच। कुछ जरा इस गाने के बारे में बताइए, माँ ओ माँ के बारे में जी। गाना बहुत अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा है, और जो इस गाने के डायरेक्टर हैं मिस्टर साजन अग्रवाल, लिखा भी उन्होंने ही है। बिल्कुल, और बहुत ही प्यारे इसके वर्डिंग है। अभी तो गाना सिर्फ लिखा है और रिकॉर्ड हुआ है, तो बहुत सुंदर गाना लग रहा है सुनने में। अभी जब शूटिंग होगी तब आपको हम बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। शूटिंग के बाद ही मतलब रियल उसका फील कैसा है वो पता चलेगा। सो हम ऐसा देख रहे हैं मैडम, 90s जब आप फिल्मों में काम करती थी तब के टाइम पे म्यूजिक वीडियो बहुत हिट हुआ करते थे। नाउ बीच में एक ऐसा टाइम आया, मुझे ऐसा लगता आप गई, चली गई इंडस्ट्री से, तो हमारे म्यूजिक वीडियो का भी दौर चलेगा। नाउ आप अगेन आई है तो फिर से म्यूजिक वीडियो का टाइम चल रहा है, तो इसलिए आपने ये प्रोजेक्ट चूज किया माँ ओ माँ, या कोई खास वजह? नहीं, कोई भी खास वजह नहीं थी, बस अचानक उन्होंने मुझे ऑफर किया साजन जी ने कि चलो कुछ करते हैं साथ में, और ये गाना इतना अच्छा लिखा है आप करेंगे, मैं आपके लिए सोच के लिखा है। तो वो गाना इतना अच्छा था कि मैं मना नहीं कर पाई, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कॉन्सेप्ट। और अगर कम बैक करना है तो गाने से अच्छा क्या चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, एक गाना कर लें तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पता भी चल जाता है क्या माहौल है क्या है, सब कुछ है। एक सिंपल सी छोटी चीज़ करें तो बेटर है। सो अब क्योंकि आप लौट कर आई हैं तो कितना कुछ चेंज देख रही है हमारी इंडस्ट्री में, एंड कितना बदलाव आपको? बहुत बदलाव तो बहुत है, हर चीज़ में है, मतलब हर चीज़ में और फॉर बेटर जी। एंड हमने लाइक बचपन में आपकी फिल्में देखी थी जी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, नाउ वो देखने के बाद अब हम लाइक आपको देख रहे हैं, तो क्या हम ऐसा माने कि ऐसी बैक टू बैक हम आपको और फिल्में देखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब डिपेंड करता है, अगर अच्छी मूवीज़ मिलें, अच्छी स्क्रिप्ट है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो अच्छी स्क्रिप्ट मिलती रहेंगी तो काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि ढेर सारे नए एक्टर आ गए हैं जी, कि एक्टर की बात करें, फीमेल एक्टर की बात करें, इन दिनों कोई ऐसी फिल्में देखी आपने जो आपको बहुत पसंद आई? देखिए मूवीज़ तो हम सारी देखते हैं, अब तो बहुत अच्छी बनने लगी है मूवीज़, तो कभी जब वक्त मिलता है तो देखते हैं, सारी तो नहीं लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो देखते ही, पर बहुत अच्छी लगती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, आज जो बनते हैं जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। तो इन दिनों कौन सी फिल्में आपने देखी जो आपको बहुत ही पसंद आई हो? अभी फिलहाल बहुत कम मूवीज़ देखी हैं तो मैं इतना कुछ बता नहीं पाऊँगी, पर ये इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं जितना भी देखते हैं। बिल्कुल, एंड फिल्म के अलावा हमने देखा OTT प्लेटफॉर्म भी अब आ गए हैं, ढेरों सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, तो इनको कैसे देखती हैं आप? एंड ये बहुत अच्छा है, बदलाव आया है, आपके टाइम पे ये ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में ये सारे प्लेटफॉर्म आए, आपको अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करनी है थिएटर में कीजिए, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करिए OTT प्लेटफॉर्म पर कीजिए, कैसे देखते हैं आप? आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आपने सब्सक्राइब, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हो गया ना, अभी प्लेटफॉर्म बन गए हैं तो इजी हो गया है लोगों के लिए, सबको काम मिल रहा है, सबको अपना जो लोग ऐसे थे जिन्हें बहुत सालों से काम नहीं मिल रहा था उन्हें भी काम मिल रहा है, तो
तो ये सभी के लिए अच्छा है, बिजी हो गए हैं सब, अपनी पसंद की चीज़ें बना पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, सेंसर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें ज़्यादा। तो आई थिंक अच्छा है, बेटर है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसमें लोग अच्छी चीज़ें बनाएं दिखाएं तो बहुत ही अच्छा है, जो कि होता ही है नॉर्मली, अच्छा ही बनाते हैं। बेटे के साथ आप इस बार आ रही हैं, अगेन हम आपको देखें देखने वाले हैं, तो कुछ बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं आप अब बेटे के साथ आप आ रही हैं, और किस तरह से हम देखेंगे माँ को लेकर? जी मैं तो खैर पहले बहुत काम कर चुकी हूँ, अभी मुझे सारा जो भी एक्साइटमेंट है वो अपने बेटे के लिए है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि बहुत अच्छा करेगा वो, मुझे पूरी उम्मीद है, और जैसे लोगों ने मुझे प्यार दिया ऐसे उसको भी प्यार दें, उसका भी काम पसंद करें, और बस अच्छे काम आते रहे, हम अच्छा काम करते रहे, लोग देखते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैडम हम देखते थे कि लव स्टोरी ज़्यादा आती थी जी, जितना आपको तो हमसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कंटेंट पर लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, स्टोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वही तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। सो कुछ कहना चाहेंगे कि पहले के टाइम पे भी ऐसी बातें चलती थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें लव स्टोरी देखने को मिलती है, जबकि हमें आप बताइए कि उस टाइम में ऐसी कुछ बातें चलती थी कि नहीं, लव स्टोरी के आगे भी हमें बाहर निकल कर ऐसा कुछ हम लोगों को ज़्यादा इस मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि हम लोग मूवी साइन करते थे, स्टोरी सुन के करते थे, अब वो क्या बात कर रहे हैं या क्या सोच के, ये हमें उतना पता नहीं होता था। हमारा काम होता था जाके काम करो और अपना काम खत्म करके निकल जाओ, इतना ही होता है एक आर्टिस्ट का काम, जाता है शूट करता है और निकल जाता है। और उस वक्त इतना डिस्कशन होता नहीं था, इतना ओपन था नहीं कुछ, तो बहुत मुश्किल होता था। टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस एक आखिरी सवाल की, कुछ पहले के जो वेटरन एक्टर कुछ अभी हमारे साथ हैं जी, कुछ नहीं है तो जो है लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन जी जी, जी अभी भी वो वर्किंग है जी, जब जी किसी को कॉल करके तो हम बहुत ही मिस कर रहे हैं जी जी जी, जी को बहुत ही मिस कर जी जी। सो किसी वेटरन एक्टर के साथ में अब क्योंकि आप आई हैं, इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे कि वेटरन एक्टर के साथ में आप काम करने की ऐसी कोई इच्छा है या आप काम करना चाहती हैं? जी अभी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, हाँ, लेकिन धीरे धीरे ही करके सब पूरी होंगी, पहले चीज़ हो जाए उसके बाद देखेंगे कैसे करना है क्या करना है। एक और आखिरी की, क्योंकि आप बहुत सालों के बाद मिली है इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, हमारी इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदलाव आया है, नेपोटिज्म की भी बातें अब आने लगी हैं, आप कैसे देखती हैं नेपोटिज्म में, कितना बिलीव करती हैं? हाँ। मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में ज़्यादा, थोड़ा बहुत सुना था ना, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया है, और इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी एक्चुअली। अच्छा, ओके। चलिए जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें आपके आपकी फिल्मों का, आपके म्यूजिक वीडियो का, आपके जो फैन है उन्हें बेसब्री से इंतज़ार रहता है जी, कुछ कहेंगे ऑडियंस के लिए? बस ऑडियंस के लिए यही कि हमारा काम देखते रहें, हमें पसंद करें पहले की तरह, पहले वाला प्यार दें हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। डायरेक्टर का सर प्लीज आप मैम एक लास्ट मेरे इंटरव्यू नहीं है मैडम, ये तक थोड़ा शॉर्ट्स नहीं है सर, आइए इस तरह मैम लुके मैम लुके सर सर आपके सामने रमेश भाई अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ रमेश भाई, एक एक मैडम एक से एक
अभिषेक मैम भैया मैम थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मैम सॉरी आपको भाई आगे जाके जा